छोटा स्पंदन अकेडमी क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में आगे पढ़ेंगे काल, मतलब काल क्या होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण, और काल के प्रकार क्या क्या है तो उसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों काल से हमारा अर्थ है समय, मतलब कि इसमें हमें यह पता चलता है कि हम क्रिया कर रहे हैं या हो चुकी है या होगी, मतलब इसमें हमें भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान का पता चलता है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं काल। काल का अर्थ है समय, इसमें है क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले, मतलब क्रिया क्रिया मतलब कार्य, कार्य क्या है क्रिया, कार्य से ही क्रिया बोलते हैं, कार्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह उसमें मतलब उसका समय पता चले कि वह क्रिया हो रही है या हो चुकी है होगी, तो ये सब पता चले उसको काल कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले, मतलब कार्य कब हो रहा है उसका समय पता चले उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्द तो हम इसे पढ़ सकते हैं जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता या बोध हो उसे काल कहते हैं, जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, इसमें क्या हो रहा है मैं खाना खा चुका हूं, मतलब कि चुका हूं मैं क्या हो रहा है इसमें मतलब खा चुका हूं, तो ये भूतकाल में चला गया, मतलब कि जो जिसमें क्रिया हो चुकी है वो भूतकाल में कहलाती है, भूतकाल में आती है। उसके बाद है मैं खाना खा रहा हूं, मतलब खाना खा रहा हूं, ना खा चुका ना खाऊंगा, तो इसमें मतलब कि चल रहा है, मतलब मैं खाना खा रहा हूं, तो ये वर्तमान काल में आ गया जो कि चल रहा है, चल रहा है। मैं खाना खाऊंगा, इसमें क्या हो रहा है खाऊंगा, मतलब कि ये ना खा रहा है ना ये खा चुका है, ये खाऊंगा मतलब ये आगे के लिए छोड़ दिया, तो ये वर्तमान काल में आ गया, मतलब ये खाएगा आज।